डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आज आप लोगों को सेमेस्टर 5 का एमसीक्यू फास्टिंग एंड फिस्टिंग पेपर आपका 11 का मैं लेकर के आया हूं। पेपर 11 में जो फेमिनिज्म में है, आप लोगों का फास्टिंग फिस्टिंग पढ़ना, उसका मैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो लेकर के आया हूँ। आप लोग जो है जो CUT एग्जामिनेशन में भी आप लोगों को काम आएगा, नेट JRF में भी काम आएगा और आप लोगों का एकेडमी में भी काम आने वाला है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग जो है देर ना करें, जल्दी से मेरे चैनल को, अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें और आप लोग जो है अपने मित्रों के पास जो है ये वीडियो को जरूर शेयर करें। और आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों का 60 MCQ क्वेश्चन का आज लगातार हम लोगों का क्लासेस चलेगा, 60 MCQ का इसमें रहेगा डियर स्टूडेंट आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है 60 MCQ ऑब्जेक्टिव एंड किससे, आपका फास्टिंग एंड फिस्टिंग से है, सब ये ना, ये आपका पेपर, आपका जो है आपका पेपर 11th का है आपका ये, और जिसमें मतलब पेपर 11th में क्या है हमारा फेमिनिज्म है डियर स्टूडेंट, ये फेमिनिज्म है। तो इससे आपको रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा सारा। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। कहता है व्हाट टू कंट्रीज आर दी सेटिंग फॉर दी फास्टिंग एंड फिस्टिंग। फास्टिंग एंड फिस्टिंग जो है अनिता देसाई के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट, जिसमें हमारा दो कंट्रीज का जिक्र किया गया है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपका पहला जो है क्वेश्चन, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द मलेशिया, बी में है इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड डी सी में है आपका द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर, एंड डी में आपका यूनाइटेड स्टेट्स एंड द नेपाल। तो ये यहाँ पर जो है फास्टिंग एंड फिस्टिंग में जो है अमेरिका और इंडिया के बारे में चर्चा किया गया है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। कहता है व्हाट डज उमा स्पेंड हर लाइफ डूइंग। उमा जो है यहाँ पर जो मेन प्रोटागोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट, तो उमा क्या करती है। कहता है सर्चिंग फॉर द परफेक्ट हस्बैंड, नहीं बी वर्किंग एट ए फ्लोर रूम लूम, कहता है फ्लोटिंग रिवेंज, या तो बीइंग सब सर्वियंट टू हर पेरेंट्स डिमांड्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि वो हमेशा मम्मा एंड पप्पा का जो डिमांड करते रहता है, चाय लाओ, पानी लाओ, कॉफी लाओ, या तो बाजार से सामान लाओ, सब्जी लाओ, ज्यादातर जो है लड़कियों को ही बोला जाता है डोमेस्टिक वर्क के लिए। तो यहाँ पर भी आपका जो है सब सर्वियंट जो है काम कर रही है वो कौन, यहाँ पर उमा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि वेयर इज अरुण एट द ओपनिंग ऑफ द नॉवेल। जब ये नॉवेल ओपन होता है डियर स्टूडेंट, तो अरुण कहाँ पर, इन इटली में है कि इंग्लैंड में है कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स में है कि इन इंडिया में है। तो ये ओपनिंग ऑफ द नॉवेल जब होता है आपका फास्टिंग फिस्टिंग, तो अरुण को जो है कहाँ पर देखा जाता है, यो यूनाइटेड स्टेट में। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आगे आते हैं डियर स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पप्पाज वोकेशन। पप्पा का जो वोकेशन जो था वो पेशा क्या था, पापा जो है क्या करते थे, समझिए ना। तो पापा जो है एक मर्चेंट है कि लॉयर है कि पुलिसमैन है कि बैंकर है। तो पप्पा जो है एक लॉयर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। अराउंड व्हाट डज मम्मा बिल्ड हर लाइफ। वो मम्मा जो है अपने लाइफ में वो क्या की।
मम्मा जो है अपने लाइफ में वो क्या की, कहते हैं मीटिंग पापाज नीड्स हर रिलीजन अंडरस्टैंडिंग द पीपल सिक्योरिंग हर डॉटर्स हैप्पीनेस। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि वो ज्यादातर मीटिंग पापाज नीड्स हर रिलीजन अंडरस्टैंडिंग पीपल सिक्योरिंग हर डॉटर्स हैप्पीनेस, नहीं मीटिंग पापाज नीड्स, वो हमेशा जो है मम्मा जो है पप्पा का जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर थी डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आ जाते हैं, देखते हैं सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर है कहता है व्हाट डज पप्पा डू एवरी डे आफ्टर वर्क, वो पप्पा जो है काम करने के बाद वो क्या करते थे, प्ले क्रिकेट, कॉल हिज फादर आर विजिट द टेंपल, प्ले टेनिस। तो पप्पा जो है आपका जो है प्ले टेनिस, वो टेनिस किया करते खेला करते थे डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है 7 में है ना, कहता है व्हाट डू मम्मा एंड पप्पा डू ऑन ओकेजंस इवनिंग एट द क्लब, वो मम्मा एंड पप्पा जो है क्लब में शाम के समय में इन लोग क्या किया करता था, प्ले कार्ड्स, प्ले सफल बोर्ड्स, स्विम, बेट और हॉर्सेस रेस। तो मम्मा एंड पप्पा जो है इन लोग कार्ड खेला करता था डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, कहते हैं टू व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू उमा एंड अरुण रिजाइन देमसेल्व्स, और उमा और अरुण को जो है किस तरह का वहां पर लाइफ को जो है वो बिताना पड़ रहा, रिलीजियस इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन बट स्ट्रिक्ट कंफर्ट एंड द बॉडम आई एम सब सर्वियंस, तो कंफर्ट एंड रेडीमेड, नहीं ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल एंड स्टिमुलेशन एंड बट स्ट्रिक्ट लाइफ उसको बिताना पड़ता था डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, कहते हैं व्हेन वाज फास्टिंग पब्लिश्ड, फास्टिंग फीस्टिंग कब पब्लिश हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और ये नेट और जेआरएफ के लिए है। तो आपका जो है ये आपका फास्टिंग और फीस्टिंग को 1999 में पब्लिश किया गया, 1999 में पब्लिश किया गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 में आते हैं, ठीक है आप देखिए 10 में क्या कह रहा है, हु इज द प्रोटागोनिस्ट इन द फास्टिंग फीस्टिंग, फास्टिंग फीस्टिंग का जो है प्रोटागोनिस्ट कौन है डियर स्टूडेंट, तो फास्टिंग फीस्टिंग का प्रोटागोनिस्ट कहता है मम्मा पप्पा नहीं, आपका अरुणा नहीं, आपका अनामिका नहीं, तो कौन होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन होगा, उमा जो है वो प्रोटागोनिस्ट है फास्टिंग और फीस्टिंग का। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 करता है हु इज द ओनली सन ऑफ द मम्मा एंड पप्पा, मम्मा एंड पप्पा का एकलौता बेटा यहाँ पर कौन है, तो मम्मा एंड पप्पा का एकलौता बेटा यहाँ पर जो है वो आपका अरुण है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो है बी वुड बी करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, कहता है हु इज ए रिलीजियस लेडी वर्शिप्स लॉर्ड शिवा, यहाँ पर वो रिलीजियस लेडी कौन है और जो लॉर्ड शिवा को मतलब के पूजा करती थी, कहते हैं मेलनी, मीरा मासी और मिसेस जोशी, तो अरुणा, तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, मीरा मासी एक रिलीजियस लेडी है जो मम्मा एंड पप्पा का जो है वो एक प्रकार का सिस्टर है आपका। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में, हु इज मिसेस जोशी इन द फास्टिंग एंड फीस्टिंग, मिसेस जोशी कौन है फास्टिंग एंड फीस्टिंग में, उमाज नेबर, उमाज मदर इन लॉ, उमाज आंट, उमाज मदर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं फास्टिंग फीस्टिंग का उमाज क्या है,
तो ये उमाज की नेबर है, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका कितना का 13 का। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कहता है हु वाज द सन ऑफ ए टैक्स इंस्पेक्टर इन द नॉवेल एंड फास्टिंग एंड फिस्टिंग। टैक्स इंस्पेक्टर का जो है यहाँ पर बेटा कौन है फास्टिंग एंड फिस्टिंग में, अरुण हो गया, पप्पा हो गया, रामू हो गया, अरविंद हो गया, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट मम्मा एंड पप्पा का, मम्मा हु वाज द सन ऑफ ए टैक्स इंस्पेक्टर इन द नॉवेल ऑफ फास्टिंग फिस्टिंग। तो मैं बता देता हूं कि फास्टिंग एंड फिस्टिंग में पप्पा का जो है वो टैक्स मतलब कि आपका इंस्पेक्टर थे, तो उसका बेटा कौन हो जाएगा पप्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट, कहता है हु इज द एज ऑफ द उमा व्हेन नॉवेल ओपन्स, कहता है हु इज द नहीं होगा यहां पर व्हाट होगा डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द एज ऑफ उमा व्हेन नॉवेल ओपन्स, जब नॉवेल ओपन होता है तो उमा का एज क्या रहता है 13 इयर्स 20 इयर्स 16 इयर्स 40 इयर्स, ये करेक्ट आंसर होगा आपका डी आंसर 40 इयर्स रहता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रिमार्क कर लीजिएगा आप डियर स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर आप लोग हम लोग आते हैं कहता है हु इज मदर अग्निस हु कंफर्ट्स उमा, मदर अग्निस यहाँ पर कौन है जो उमा को काफी मदद किया करती थी, तो यहाँ पर कहता है कजन ऑफ उमा, टीचर ऑफ कन्वेंट स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ उमा, मदर इन लॉ ऑफ उमा, नहीं ये ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर, टीचर ऑफ कन्वेंट स्कूल, कन्वेंट होना चाहिए सॉरी, यहाँ कन्वेंट होता है, ये कन्वर्ट हो गया है, हालांकि ये कन्वर्ट से ही कन्वेंट ही बना है, तो यहाँ पर जो है उसकी वो टीचर है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कहता हु ब्रिंग्स न्यूज फ्रॉम इवन द मोस्ट रिमोटली सिचुएटेड रिलेटिव्स, बर्थ, मैरिजेस, डेथ, इलनेस एंड स्कैंडल्स एंड रूमर्स एंड द पार्टीज टू मम्मा एंड पप्पा। मम्मा एंड पप्पा को जो है गांव घर का नॉलेज जो है, गांव घर का जो कुछ होता था इन्फॉर्मेशन वो ला करके कौन देती थी, उमा, मिसेस जोशी, मीरा मासी और मिसेस ओ हेनरी, तो यहाँ पर मीरा मासी इस सब में काफ़ी आगे थी, किसके यहाँ पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, कहाँ पर मैरिज हो रहा है, कहाँ पर आपका कोई बीमार है, कहाँ पर कोई मरा है, तो इसके लिए जो है कौन रहती थी रेडी, मीरा मासी डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे में आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 में है ना, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है फिर भी कहता है ऑल मॉर्निंग मम्मा पप्पा हैव फाउंड थिंग्स फॉर उमा टू डू, इट इज एज ए पप्पाज रिटायरमेंट इज टू स्पेंट is to be spent in this manner. Feel busy and they occupied the above lines taken from. ये कहाँ से लिया गया है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग जान रहे हो कि जो चल रहा है इन कस्टडी का है कि फास्टिंग फिस्टिंग का है कि किराए दी पिकॉक का है, हालांकि एक आपका डी ऑप्शन में जो है मेरा छूट गया है, उसमें अगर हम इसमें लिख देते हैं नन, समझिए ना, तो ये आपका किसका आंसर होगा फास्टिंग एंड फिस्टिंग का होगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हु इज बोर्न विथ मम्मा पप्पा इन ए सेक्सुअल एक्सीडेंट, कहता है सेक्सुअल एक्सीडेंट से जो है कौन जन्म लेता है, उमा, अरुणा, अरुण और रड, तो एक्चुअली इन लोग जो है पति पत्नी जो है खास करके पप्पा जो है वो बेटा मतलब के चाह रहे थे, मतलब कि ही हैज डिजायर फॉर ए सन, और यही सेक्सुअल एक्सीडेंट इसको नाम दे दे रहा है, हालांकि ये सारे लोग वैसे ही करते हैं,
और इससे सेक्सुअल एक्सीडेंट से कौन जन्म लेता है, घर में एक बेटा आता है जिसका नाम अरुण रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहता है विच ऑफ द टू नॉवेल्स ऑफ द अनिता देसाई जो वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डियर स्टूडेंट, काफी वीवीआई है ये आप लोगों के लिए। कौन सा नॉवेल जो है वो अनिता देसाई का जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया आपका बुकर प्राइज के लिए, समझिए ना। तो द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस इन ए कस्टडी, इन अ कस्टडी एंड द फास्टिंग फिस्टिंग, क्राई द पीकॉक एंड द फायर एंड द माउंटेन, जिग जैग एंड क्लियर द ऑफ द डे। तो इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया रनर मेरा, तो इन कस्टडी एंड फास्टिंग एंड फिस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। ये आपका हालांकि इसका नॉवेल इन कस्टडी हो गया, फास्टिंग एंड फिस्टिंग हो गया, ये सब आपका शॉर्ट लिस्टेड हुआ बुकर के लिए, बट सी डिडंट गेट द बुकर अवार्ड। इसकी बेटी जो है किरण देसाई दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए उसको मिला है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। अब 21 क्या कहता है, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ अनिता देसाई इज ए चिल्ड्रेंस बुक। अनिता देसाई का जो है कौन सा बुक जो है चिल्ड्रेंस बुक है, फायर एंड द माउंटेन, फास्टिंग फिस्टिंग, द जिग जाग वे, द विलेज बॉय ऑफ द सी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, द विलेज बाय द सी, ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आगे बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए तो हम लोग थोड़ा सा तेजी गति से चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है इन विच ऑफ अनिता देसाई नॉवेल्स डज एन इनसेन वाइफ किल हर हस्बैंड। और अनिता देसाई का कौन ऐसा नॉवेल है जिसमें जो है अपना वाइफ जो है अपना हस्बैंड को वो धक्का दे करके मार देती है, वॉइसेस इन द सिटी में, इन कस्टडी में, और बम गार्टेंस बॉम्बे में, क्राई द पीकॉक में। तो ये आपका क्राई द पीकॉक होगा डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, भी आई है और CUET एग्जाम में भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा ये। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपको 23 में ले आएंगे थे हैं। कहता है व्हेन अनिता देसाई वाज बोर्न, अनिता देसाई का जन्म कब हुआ। तो अनिता देसाई का बोर्न आपका 24 जून 1937 को हुआ, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं आपका। कहता है व्हाई इज उमा रिमूव्ड फ्रॉम हर कन्वेंट स्कूल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए आप लोगों के लिए। रोमा को कॉन्वेंट स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, मतलब कि विथड्रॉ क्यों किया गया, टू टेक केयर ऑफ द मम्मा पापा, नहीं टू टेक केयर ऑफ द अरुण सन, टू टेक केयर ऑफ द मीरामासी, नन ऑफ दिस। तो टू टेक केयर ऑफ अरुण, समझिए ना, अरुण का मतलब उसका छोटा भाई जो जन्म लिया मम्मा पापा से, उसी को देखभाल करने के लिए जो है उसको मम्मा पापा बोले कि अब तुम नहीं पढ़ेगी, अब अपना भाई का देखभाल करो, समझिए ना। कहता व्हाट हैपेंस टू अनामिका इन द फास्टिंग एंड फिस्टिंग, ये अनामिका को क्या होता है फास्टिंग फिस्टिंग में, ड्रॉन्ड इन द पोंड, कहते हैं बर्न टू डेथ एंड गिवेन पॉइजन डार्ट एंड डेथ बाय द फूड पॉइजनिंग, नहीं इसको जला करके मारा गया आपका, किसके लिए डियर स्टूडेंट, डाउरी के लिए इसको जला करके मारा गया अनामिका को, समझिए ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर में 26 में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए कहता है कि विच इज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल बाय अनिता देसाई, अनिता देसाई के द्वारा हुआ कौन सा नॉवेल जो है प्रथम बार पब्लिश्ड किया गया। कहता है वॉइसेस इन दिस सिटी, कहता है बाय बाय ब्लैक बर्ड, इन कस्टडी एंड क्राई द पीकॉक। तो अनिता देसाई का पहला नॉवेल जो था डियर स्टूडेंट वो आपका क्राई द पीकॉक था, ऑप्शन नंबर आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये VVI है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, समझिए ना। अब क्वेश्चन नंबर कहता है 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थीम ऑफ द फास्टिंग एंड फिस्टिंग, फास्टिंग एंड फिस्टिंग का इनमें से कौन थीम नहीं है,
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिज फेल्योर एंड कास्टिसिज्म। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है आपका मतलब कि भेदभाव लड़का या लड़की में, डोमेस्टिक वायलेंस भी है यहाँ पर, मैरिज फेल्योर है जो उमा का हुआ था, कास्टिसिज्म यहाँ पर नहीं है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, कहते हैं विच इंडो इंग्लिकन नॉवलिस्ट वाज सॉरी कहते हैं विच इंडो इंग्लिकन नॉवलिस्ट वाज बोर्न इन 1937 ऑफ द जर्मन मदर एंड द बंगाली फादर। तो इसकी माँ जो जर्मन थी डियर स्टूडेंट आपका अनिता देसाई की माँ, और इसके फादर जो है वो बंगाल के रहने वाले थे, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, अनिता देसाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 28 का। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर के, हु सफर्स फ्रॉम द कैटालिक्टिक फिट्स। यहाँ पर मिर्गी बीमारी से कौन सफ़र कर रहा था, अरुणा, अनामिका, उमा और मेलनी। तो अनामिका को जो है ना वो आपका कैटालिक्टिक फिट था, जो उसको डॉक्टर दत्त जो है वो मदद किया करता था डियर स्टूडेंट। अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर में, कहता है हु अमंग दीज ऑन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, कहता है इनमें से किनको जो है साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला, कमला दास को, इसी मिजिकिल को, अनिता देसाई को, ऑल ऑफ दी अबव। तो मैं बता देता हूँ, कमला दास को भी मिला है डियर स्टूडेंट, इसी मिजिकिल को भी मिला है, अनिता देसाई को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वुड बी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, कहता है व्हाट आर कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट द सिमेस ट्विन एग्जिस्टेंस। सिमेस ट्विन एग्जिस्टेंस मतलब कि एक दूसरे को जो अलग नहीं कर पाए, समझिए ना। तो यहाँ पर आपका मम्मा एंड पप्पा, और यहाँ पर अनिता देसाई ये मम्मा एंड पप्पा का के बीच में हैपन भी नहीं दिए, क्यों, क्योंकि मम्मा एंड पप्पा का दोनों का विचार लगभग एक ही मिलता था। तो ये ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, कहता है हु सफर्स फ्रॉम द बुलमिया ओवर ईटिंग। बुलमिया मतलब होता है ओवर ईटिंग, मतलब कि सब चीज़ डालते जाना, समझिए ना। अगर आपको खाने के भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी अगर आप चौमिन के सेंटर पर जाते हैं या तो फास्ट फूड के सेंटर में जाते हैं, तो आपका एपेटाइट बढ़ रहता है और आप उसको क्या करते हैं और धकेल लेते हैं, समझिए ना। तो उससे बुलमिया से कौन सफ़र कर रही थी, तो मेलनी सफ़र कर रही, तो जो अमेरिकन मतलब कि आपका कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मैंने बताया था कि ये नॉवेल जो है वो दो आपका मतलब कि कल्चर को कंट्रास्ट किया करके लिखा गया है, आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और आपका इंडिया को। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है द टाइप ऑफ नॉवेल अनिता देसाई रोट। वो अनिता देसाई किस तरह का नॉवेल लिखती थी, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और नन ऑफ दीज। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये अनिता देसाई जो है हमेशा वो किस तरह नॉवेल लिखा करती थी, साइकोलॉजिकल नॉवेल पर वो ज़्यादा काम किया करते थे डियर स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं 34 में, कहते हैं विच बुक इज नॉट रिटन बाय अनिता देसाई। अनिता देसाई के द्वारा कौन सा बुक नहीं लिखा गया, क्राई द पीकॉक लिखी है, वॉइसेस इन द सिटी लिखी है, फायर ऑन द माउंटेन लिखी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये प्राइड एंड प्रेजुडिस इसके द्वारा नहीं लिखा गया है। प्राइड एंड प्रेजुडिस शायद आप लोगों को दिमाग में होगा कि ये जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है, समझिए ना, रोमांटिक आपका नॉवलिस्ट जेन ऑस्टिन के द्वारा वो लिखा गया है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कहता है फास्टिंग फिस्टिंग कहाँ पर पब्लिश हुआ, इंडिया में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में एंड साउथ अफ्रीका में। तो फर्स्ट जो है वो आपका इंडिया में पब्लिश हुआ डियर स्टूडेंट। अब लोग हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है व्हाट डज अरुण गिव मिसेस पैटर्न्स एज ए पार्टिंग गिफ्ट। अरुण जो है ना, व्हाट डज अरुण गिव मिसेस पैटर्न एज ए पार्टिंग गिफ्ट। वो अरुण जो है ना, जब अमेरिका से वो लौट रहा था
तो लास्ट का गिफ्ट कौन क्या देता है आपका पैटर्न को, ए बुक ऑन योगा, द सॉल एंड द टी एंड ए कॉटन सारी एन ऑफ दिस, तो वो वहाँ पर देता है अरुण द सॉल एंड द आपका टी देता है। डियर स्टूडेंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग कर लोगे। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। आप कहता है क्वेश्चन नंबर कहता है 37 में कहता है एवरी वन ईट्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड वांट्स डिफरेंट मील्स। यहाँ पर जो है आपका जो है मिसेस पैटर्न जो है काफ़ी परेशान है अपनी बच्चों से, रॉड से और मेलनी से, कि सभी समय इन लोग और अलग अलग डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरह का फूड इन लोग डिमांड करता है। हु इन्फॉर्म्स अरुण, कौन ये इन्फॉर्म करता है? मेलनी करती है, मिसेस पैटर्न करती है, रॉड बोलता है कि मम्मा एंड पापा करता है, तो मिसेस पैटर्न जो है वो किसको बोलती है आपको? अरुण को बोलती है। डियर स्टूडेंट अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। अब यहाँ पर कहता है कि अनिता देसाई गोट बुकर प्राइज, अनिता देसाई को बुकर प्राइज कब मिला? 1999 में, 1989 में कि 2000 में कि नन ऑफ दिस? तो अनिता देसाई को जो बुकर प्राइज नन ऑफ दिस उसको मिला ही नहीं डियर स्टूडेंट लाइफ टाइम में, हालांकि उसकी बेटी को मिला, तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू फास्टिंग एंड फिस्टिंग वोमेन एज ए स्लेव इन, और फास्टिंग एंड फिस्टिंग के अनुसार जो है महिलाएं जो है वो कहाँ पर जो है गुलामी के जंजीर में? इंडिया में, बोथ इंडिया एंड अमेरिका में, ओनली इन इंडिया और नॉवेयर? तो आपका ये फास्टिंग फिस्टिंग के अनुसार जो होगा बोथ इंडिया एंड अमेरिका में होगा डियर स्टूडेंट। इसका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका भी सेकेंड आपका सही होगा। अब हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर में, दी जिग जाग वे वाज रिटेन बाय, जिग जाग जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो जिग जाग जो है आपका कहता है कि कमला दास के द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा, अनिता देसाई के द्वारा, तो किरण देसाई के द्वारा, तो ये आपका जो है जिग जाग डियर स्टूडेंट अनिता देसाई के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 40। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 41 में। कहता है व्हाट डज मेलनी डू व्हेन सी सीज अरुण वॉक अप टू हर इन द वुड्स? कहता है कि वो व्हाट डज मेलनी डू व्हेन सी सीज अरुण वॉक अप टू हर इन द वुड्स? वो जो है ना मेलनी, व्हाट डज मेलनी डू, मेलनी क्या करती है जब वो अरुण को देखती है जंगल की ओर जाते हुए? तो कहता है वॉमिट्स अगेन, हैंड्स द कैट टू अरुण, हास्टली स्टार्टिंग पुटिंग ऑन द हेयर क्लॉथ्स, आस्क अरुण टू रीड ए पोएम ऑन टू हर। ये वॉमिट्स अगेन होगा डियर स्टूडेंट, वो खाती थी और वॉमिटिंग करते रहती थी, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं 41 में, नहीं 42 में। कहता है व्हाट डज अरुण अरुण ऑफर टू डू बिफोर एंड आफ्टर हिज जॉब? वो क्या मतलब कि ऑफर करता है? वॉक इन द डॉग, ट्यूटर रॉड इन द केमिस्ट्री, कहता है ट्यूटर मेलनी इन द कैलकुलस, ईट हिज मील्स इन टाउन। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर होगा, ईट हिज मील इन टाउन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट। अब 43 में क्या कह रहा है आपका? कहता है व्हाट डज अरुण सी मेलनी ईटिंग इन हिज किचन इन चैप्टर 25? वो क्या मतलब कि देखती है वो, व्हाट डज अरुण, अरुण क्या नोटिस करता है, वो क्या देखता है कि मेलनी क्या कर रही है किचन में? कहता है ग्रेसी रिब्स, मतलब कि वो रिब्स खा रही है? नहीं, आप कहता है डोनट्स, वो मीठा आपका एक स्वीट्स होता है डियर स्टूडेंट, आपका राउंड कलर का होता है डोनट, समझिए ना, इसको मैं बना देता हूँ ऐसे, इस तरह से डोनेट रहता है और यहाँ पर आपका इसको छान करके और मीठा में बनाया जाता है, इसको हम लोग डोनेट कहते हैं, सब ये ना, ये डोनेट कहते हैं, डोनेट नहीं, टेबल सम पॉन्स ऑफ कोकोआ आइसक्रीम, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा।